आई एम टेलिंग यू, आपको जो सेवेंथ राउंड में मिला है जोसा के, उससे कम प्रेफर्ड जो चीज है उसको कृपया करके मत भरना, ठीक है? इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली समझ लेते हैं। अगर आपको कोई चीज, मान लो एक्स चीज है, आपको वो जोसा के काउंसलिंग में मिल गई है सेवेंथ राउंड तक, कूल, आपको वो चीज मिल चुकी है ना, ठीक है, आप उसको अवेल कर लो। अगर आपको अवेल नहीं करना तो छोड़ दो। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ऐसी चीज सीएसएबी में भरो ही मत जो आपको जोसा में मिला है, उससे भी ज्यादा बदतर हो। और भाई और बहनों, क्या हालचाल, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं, यार इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले सीएसएबी स्पेशल राउंड के बारे में। सीएसएबी स्पेशल राउंड क्या है? सीएसएबी स्पेशल राउंड स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। वो हमारा कंडक्ट कराने वाला है स्पेशल राउंड। जोसा अलग चीज है, स्पेशल राउंड अलग चीज है, इस बात को हम पहले ही एक्नॉलेज कर चुके हैं, ठीक है? तो बेसिकली सीएसएबी स्पेशल राउंड की अभी जो चॉइस फिलिंग है वो भरने का टाइम अभी चालू हो गया है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको अभी पूरा स्केड्यूल बता देता हूँ। जो स्केड्यूल है, द फिलिंग ऑफ चॉइसेस फॉर जो सीएसएबी स्पेशल राउंड इज फ्रॉम जुलाई 10 टू जुलाई 17, 2019। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आएगा वो आपका आएगा 19 जुलाई 2019 को। उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग सेंटर्स अगेंस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, वो आपका चालू हो जाएगा 20th जुलाई से और चलेगा 24th ऑफ जुलाई, लाइक 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th। आपके पास 5 दिन का क्वेश्चन है। आप 5 दिन के अंदर जाके सीएसएबी स्पेशल राउंड में आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला है, आप उसको जाके वहां जहां पे आपको मिला है वहीं पे जाके आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी है, मैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में भी अभी बोलने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? इस बात को हम समझते हैं। ये होगी फर्स्ट राउंड के बाद। सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका आएगा 26th of July 2019 को, और जो रिपोर्टिंग आएगा अगेंस्ट सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का, उसका जो आपका रिपोर्टिंग करना है, दैट इज फ्रॉम आपका July 27 से लेकर July 31st, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31। आपके पास सिर्फ उसके बाद भी 5 दिन का क्वेश्चन है सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए। आप वहां पर भी जाके आराम से कर सकते हो सीट अलॉटमेंट जहां पे आपको सीट मिली है, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कि क्या बोलते हैं जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग समझते क्या है। व्हाट इज बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग? ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्या करना है, आपका एक बार बता दे रहा हूं। यू हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन सीएसएबी। आपको अपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। क्या क्या स्कैन डॉक्यूमेंट्स, एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थिंग, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th को आपको अपलोड करना है। सेकंड थिंग, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, ये दोनों चीजें मैंडेटरी है, ठीक है? तीसरी जो चीज है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कुछ भी अवेल कर रहे हो, आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आता है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा अवेल करना चाहते हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को आप इशू कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जहां से 12th की है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको अपलोड करना है फॉर सीएसएबी टू रिकॉग्नाइज यू फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और ऑनलाइन आपका जो होने वाला है एडमिशन उसके बेसिस के लिए ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? आज हमारी बात हो गई ये सब की। हम पहले बात कर चुके हैं जो स्केड्यूल है आपका लॉक चॉइसेस, आपको अभी लॉक करने की जरूरत नहीं, आपके पास अभी टाइम है, जुलाई 17 तक का टाइम है आपके पास, ठीक है? जुलाई 17 तक आराम से एनालाइज करो, आज 15 तारीख को अपलोड करो, 16-17 का आराम से एनालाइज करो, ठीक है? चॉइसेस को फिल करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिल चॉइसेस को फिल करने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है। मान लो आपको जोसा राउंड में कुछ मिला है, ठीक है? मैं उनकी बात कर रहा हूं बेसिकली जिनको जोसा में अभी कुछ मिला है, ठीक है? अगर आपको जोसा के सेवेंथ राउंड तक अगर मान लो कोई 34th प्रेफरेंस की चीज मिली है, आपने सोचो 100, 200, 300 कुत्ते भी चॉइसेस भरे, आपको 34th चॉइस की आपको मिल गई है, और उसके ऊपर जितने भी आईआईटीज हैं और कुछ एनआईटीज प्लस सिस्टम के होंगे, लाइक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस में से कुछ होंगे या फिर आईएससी शिपपुर, ठीक है? आईआईटी को छोड़ के आपको जो प्रेफरेंसेस में जितनी भी चीजें बच गई है आप उसको उसी ऑर्डर में भर दो। फॉर एग्जाम्पल आपके 116 आईआईटी है, 18 से 34 आपके एनआईटी, तो आपको एनआईटी में कुछ मिला है, ठीक है? 18 से 34 को उसी ऑर्डर में वापस भर दो। गलती से भी 34th के नीचे वाली चीज मत भरना। आई एम टेलिंग यू, आपको जो सेवेंथ राउंड में मिला है जोसा के, उससे कम प्रेफर्ड जो चीज है उसको कृपया करके मत भरना, ठीक है? इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली समझ लेते हैं।
अगर आपको कोई चीज, मान लो एक्स चीज है, आपको वो जोसा की काउंसलिंग में मिल गई है 7th राउंड तक, कुल आपको वो चीज मिल चुकी है ना, ठीक है, आप उसको अवेल कर लो। अगर आपको अवेल नहीं करना तो छोड़ दो। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ऐसी चीज सीएसएबी में भरो ही मत जो आपको जोसा में मिला है, उससे भी ज्यादा बदतर हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर जोसा में कुछ अवेल कर चुके हो, आप उसको बाद में छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप उसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जोसा में कोई एक प्रेफर्ड चीज मिल गई, ठीक है, अगर आपको सीएसएबी में उससे कम प्रेफर्ड चीज मिल गई, आपकी जोसा वाली सीट गई, आप उसको वापस अवेल नहीं कर पाओगे, आपको अब सीएसएबी वाला ही अवेल करना पड़ेगा। इसीलिए आप जब प्रेफरेंसेस भरोगे, लेट मी बी वेरी 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 क्लियर, आप एक काम करो, आराम से सिर्फ वही चीजें भरो जो आपको अभी मिली है जोसा राउंड से, अच्छी हो, ठीक है। अगर आपके प्रेफरेंस एक्स का मिला है, 1 से लेके x-1, आपकी जितनी प्रेफरेंसेस है जोसा में आईआईटी प्लस सिस्टम को हटा के, वो सब भर दो, क्योंकि आईआईटी सिस्टम यानी कि जितने भी आईआईटीज है, दोज आर नॉट एलिजिबल फॉर अपटेक इन द सीएसएबी स्पेशल राउंड काउंसलिंग। इस बात को हम क्लियरली एक्नोलेज कर चुके हैं, ठीक है। अब तक वीडियो में क्या क्या बात की, वीडियो में हमने बात की है कि क्या क्या स्केड्यूल है अभी सीएसएबी के स्पेशल राउंड की, उसके बाद हमने बात की कि क्या क्या आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के स्टेप्स क्या क्या है, उसके बाद हमने ये भी अभी एक्नोलेज किया कि आपको कैसे कैसे प्रेफरेंसेस भरने, ठीक है। अब मैंने जो वीडियो अपलोड की थी लास्ट वीक जो सीएसएबी स्पेशल राउंड के बारे में, आज बेसिकली इसमें बहुत सारे, मैंने खोल के देखा बहुत सारे कमेंट्स थे, ठीक है, मतलब लोगों को बहुत ज्यादा क्वेरीज है, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स वहां से निकाले हैं जो कि मैं अभी एक्नोलेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी बहुत सारे डाउट है, ठीक है। सबसे पहला कमेंट देखते हैं, दिस इज ऑफ भास्कर मिश्रा, भैया टेल मी वन थिंग दैट इफ आई हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा काउंसलिंग एंड आई डोंट रिपोर्ट एट दैट कॉलेज एंड आई पार्टिसिपेट इन सीएसएबी स्पेशल राउंड, देन विल दैट जोसा काउंसलिंग सीट स्टिल बी माइन, प्लीज आंसर। नो वे, अगर आपने जोसा काउंसलिंग की सीट आपने एक्सेप्ट नहीं की है, आपको जोसा काउंसलिंग की वो सीट मिलेगी ही नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जोसा है, ये सीएसएबी है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, एक ही रिलेशन है बेसिकली, बस वो भी बहुत दूर का नाता है। क्यों? सीएसएबी इज ओनली फिलिंग अप फॉर जितने भी जो चीजें बच गई है जोसा में, उसको भरने के लिए सीएसएबी बस आया है, और कोई रीजन नहीं है और कोई कोरिलेशन नहीं दोनों के बीच में। अगर आपने सीट एक्सेप्ट की है जोसा की, ठीक है, अगर आपने जोसा की सीट एक्सेप्ट की है, आपको तभी वो जोसा की सीट मिल सकती है। ऐसा होगा नहीं कि आपने जोसा की सीट एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, और आपको सीएसएबी ऐसे दिला देगा, नहीं, आपको जोसा की सीट एक्सेप्ट करनी है तभी आपको जोसा की सीट मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जोसा और सीएसएबी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जोसा में कुछ मिल गया 7th राउंड तक, और मान लो आपको सीएसएबी के स्पेशल राउंड में आपने कोई ट्राई किया कुछ मिलने का, बट आपको कुछ भी नहीं मिला, तब उस केस में आपकी जो जोसा की सीट है आपके पास रहेगी, क्योंकि आप तब तक एडमिशन ले चुके होंगे कॉलेज में, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ भास्कर मिश्रा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कमेंट, ताना अग्रवाल का कमेंट है, भैया इफ आई विदड्रॉ इन 6th राउंड इन जोसा काउंसलिंग, देन कैन आई बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सीएसएबी? यस यू कैन, क्योंकि आप एलिजिबल थे पार्टिसिपेशन के जोसा में, मतलब आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेशन में एससीएबी के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आपके इतने रिक्वायर्ड मार्क्स है, इतने रिक्वायर्ड मार्क्स आपके बोर्ड में है, आप एलिजिबल हो सीएसएबी में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर यू हैव डन इन जोसा काउंसलिंग। अगर आपने जोसा काउंसलिंग बैठे भी नहीं हो, आप तो भी एप्लीकेबल हो सीएसएबी के लिए, ठीक है। ये था ताने अग्रवाल जी का कमेंट। अब बात करते हैं विशाल विजय का कमेंट। विशाल विजय कह रहे हैं, भाई जोसा के एनआईटी में दी हुई इंस्टीट्यूशन फीस सीएसएबी की एनआईटी में ट्रांसफर हो जाती है क्या, या फिर रिफंड मिलता है जोसा वाली से? ओके, ये थोड़ा लॉजिकल कमेंट है, एक चीज समझो, एक होता है आईआईटी प्लस सिस्टम, एक होता है एनआईटी प्लस सिस्टम। आईआईटी प्लस सिस्टम में सिर्फ आईआईटी आते हैं, एनआईटी प्लस सिस्टम में आपके एनआईटी, IIITs, GFTIs आते हैं और IISc शिवपुर, ठीक है। अगर आपको 7th राउंड में, अगर आप आईआईटी में हो, आपको सीएसएबी के लिए वापस, अगर आप ओबीसी और जनरल में आते हो, 36,500 वापस आपको करने हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लिया था एट द एंड ऑफ 7th राउंड, लाइक एनआईटी, IIITs, GFTIs में आपने किसी में भी एडमिशन लिया आफ्टर 7th राउंड, उस केस में आपको सिर्फ 1,000 रुपीज अवेल करना है फॉर सीएसएबी स्पेशल राउंड। क्यों? अब इस रीजन को समझ लेते हैं, बहुत लॉजिकल कमेंट है तो लॉजिकल रीजन भी होगा। लॉजिकल रीजन ये है, सीएसएबी आपका सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम का काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है। सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम का जब काउंसलिंग हो रहा है,
तो सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम में जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा सिस्टम ना, एनआईटी प्लस सिस्टम से वो एनआईटी प्लस सिस्टम में आएंगे, देयरफॉर उनको एक्स्ट्रा बैच देने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो लोग आईआईटी सिस्टम से एनआईटी सिस्टम आने वाले हैं उनको सिस्टम चेंज करना है ना, इसीलिए उनको वापस एक बार और फी जमा करने की जरूरत है। तो जो लोग आईआईटी सिस्टम से आ रहे हैं उन्हीं को पैसे जमा करने हैं, ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप कमेंट्स, एक और बच गया। और भैया सेवेंथ राउंड में भी सीट नहीं मिली तो क्या होगा, सीएसएबी के लिए भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे जितने भी टॉप कमेंट्स थे इस सबसे, आज हमने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया। एक बार आराम से बैठो, सब चीज को एनालाइज करो, कोई भी दिक्कत हो आप ज्वाइन द बोलो ऐप। द बोलो ऐप गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद द बेस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, करियर काउंसिलिंग, फैशन एंड व्हाट नॉट। सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड बुक अ सेशन विद मी ऑन द बोलो ऐप। तो समय आ गया आपसे अलविदा लेने का, अलविदा।